अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह ताला का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे डिवाइसेस जो पिछले एक हफ्ते में लॉन्च की गई हैं। कुछ डिवाइसेस हमारे पास टेक्नो की तरफ से है, डिवाइसेस हमारे पास इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स की 50 सीरीज हमारे पास आज फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है। पहले उसका लॉन्च हुआ था 50 आई, फिर उसके बाद 50 प्रो प्लस और 50 प्रो डिवाइस देखने को मिली थी, और आज फाइनली उसका 50 सिंपल भी मार्केट में आ चुका है और हमारे पास भी आ चुका है। इसी के साथ साथ टेक्नो की कुछ डिवाइसेज हैं जो रिसेंटली लास्ट वीक में लॉन्च की गई है। स्पार्क 30 है, स्पार्क 30 सी है, स्पार्क 30 प्रो है, स्पेशल एडिशन है, वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो इन सारी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ सैमसंग की A06 सीरीज थी जो आपको 64 GB वाला ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, और इसमें 460 128 GB वाला भी आज हमारे पास फाइनली आ चुका है। तो ये सारी डिवाइसेस आपको बताऊंगा और आपको मैं इसमें बात करेंगे कि कितने तक आपको डिस्काउंट ये प्राइसेस देखने को मिल जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइस है वो है इन्फिनिक्स की इन्फिनिक्स हार्ड 50 प्रो प्लस। बात करते हैं इसकी रैम की, तो 8+8 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 5 ईयर ऑफ स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। इसकी जो परफॉर्मेंस है अभी 5 साल तक स्लो होने वाली नहीं है, जो नई एडिशन इन्फिनिक्स में ये की गई है। इसी के साथ साथ 6.8 mm का इसमें आपको स्लिम एज डिजाइन देखने को मिल जाता है। करते हैं बैक कैमरे की, तो 50 MP इसका बैक कैमरा है, 13 MP फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो कंपनी प्राइस की 58,000 है, अगर आप हमसे बाय करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 55,000 में, 55,000 में मिल जाएगी इन्फिनिक्स की लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स हार्ड 50 प्रो प्लस। इसी के बाद जो इसकी सेकंड डिवाइस है वो है इन्फिनिक्स की हार्ड 50 प्रो है। इसमें आपको भी 8 GB + 8 GB एक्सटेंडेड रैम देखने को मिल जाती है, 128 GB रूम देखने को मिलता है, 5 ईयर की स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। और चिपसेट की बात करते हैं तो इसमें भी मीडियाटेक हेलियो G100 देखने को मिल जाती है, जो कि हार्ड 50 प्रो प्लस में भी हमें मीडियाटेक हेलियो G100 देखने को मिलती है। 7.4 mm प्रीमियम स्लिम डिजाइन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके भी कैमरे की, तो 50 MP बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा इसका आपको 8 MP देखने को मिल जाता है, जो कि प्रो प्लस में आपको 13 MP का देखने को मिल जाता है। तो एक ये डिफरेंस भी इसमें देखने को मिलता है। दूसरा आपको इसमें इसकी थिकनेस है जो उसमें आपको 6.8 mm की देखने को मिलती है, जबकि इसमें के अंदर आपको 7.4 mm की स्लिम डिजाइन देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट दिया गया है, 4 ईयर्स ड्यूरेबल बैटरी की ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बैटरी एडिशन भी देखने मिल जाती है कि बैटरी की परफॉर्मेंस में भी 4 साल तक किसी किस्म की कमी देखने को नहीं मिलने वाली। इसी के साथ साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी जो कंपनी प्राइस है वो है 45,000 रुपए, और आपको हमसे मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 43,500 में आपको मिल जाएगी इन्फिनिक्स की हार्ड 50 प्रो। इसी के साथ इसकी जो थर्ड डिवाइस हमारे पास आज आई है हार्ड 50, इससे पहले हार्ड 50 आई थी लेकिन आज हमारे लॉन्च की गई है इसकी हार्ड 50 जो हमारे पास मौजूद है। इसकी डिजाइन की बात करते हैं, 7.7 mm स्लिम डिजाइन देखने को मिल जाता है, मेडिटेक हेलियो G100 प्रोसेसर इसमें भी सेम देखने को मिल जाता है, 5 ईयर परफॉर्मेंस की इसमें आपको सेम स्मूथनेस देखने को मिल जाती है, जो कि तीनों में सिम देखने को मिलती है, 120Hz का इसमें भी रिफ्रेश रेट दिया गया है। आपको स्क्रीन ब्राइटनेस की बात करते हैं तो इसमें 800 nits आपको फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, ऑलवेज ऑन ब्राइट डिस्प्ले। और इसके साथ साथ बात करते हैं इसके चार्जर की, 5000 mAh की बैटरी है जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ देखने को मिल जाती है, 4 ईयर ड्यूरेबल बैटरी इसमें भी देखने को सेम मिल जाती है। बैक कैमरा इसका 50 MP का है, फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 MP का दिया गया है। इसी के साथ साथ इसकी जो बैटरी है ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जबकि इसका हार्ड 50 प्रो प्लस जो है उसका डिस्प्ले आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट का सेंसर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। हार्ड 50 की जो प्राइस कंपनी प्राइस है वो है 40,000 रुपए, लेकिन आपको हमसे मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 38,000 में, 40,000 की कंपनी प्राइस लॉन्च की गई है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है हार्ड 50 आई है, इसमें आपको देखने मिल जाती है 6 GB रैम है, प्लस 6 GB रैम एक्सटेंडेड देखने मिल जाती है, 128 GB का रूम देखने को मिल जाता है, 48 मंथ्स के इसके अंदर भी आपको स्मूथनेस देखने को मिल जाती है, 120Hz का इसमें भी रिफ्रेश रेट दिया गया है, 5 वोल्ट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट है जो कि 5000 mAh बैटरी के साथ देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर का ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 300+ एक्स्ट्रा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो 33,000 की कंपनी प्राइस है, जबकि आपको हमसे मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 31,000 में, 31,000 रुपए में मिल जाएगी इन्फिनिक्स की लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स हार्ड 50 आई। इसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है वो है जी टेक्नो की तरफ से स्पार्क 30 प्रो ट्रांसफार्मर्स एडिशन हमारे पास है, स्पेशल एडिशन हमारे पास देखने को मिल जाती है। इसी के साथ डब्बे के ऊपर जो चीजें मेंशन की गई हैं, इसके अलावा कुछ इस तरह से इसकी शेप दी गई है, और इसके कलर की बात करते हैं तो बहुत ही इसका अजीब सा इन्होंने कलर बनाया है जी भाई, इसमें मेंशन किया गया है ऑप्टिमस प्राइम कलर इसमें मेंशन किया गया है। बेसिकली इसका सिल्वर एडिशन भी देखने को मिलती है, रेड कलर देखने को मिल जाता है, और बैक साइड पे 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बैक कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है,
13 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी है जो कि 33 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग साथ देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात कीजिए, मीडियाटेक हेलियो G100 का प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ इसकी स्पेक्स की बात करते हैं, इसमें जो आपको रैम देखने को मिलती है 8+8 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ एक चीज ऐसी है जो कि इसमें नई मेंशन की गई है, वो है 4.5G नेटवर्क। इसका मकसद जो है वो इस तरह है कि ये 5G भी नहीं है और 4G भी नहीं है। बेसिकली जब आपने देखो अक्सर आप डाटा ऑन करते हैं तो आपको 4G प्लस देखने को मिलता है, तो उसका मकसद है कि 4.5G इसमें नेटवर्क एडिशन देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी है जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ देखने को मिल जाती है। सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो 46,000 इसकी कंपनी प्राइस है, जबकि आपको हमसे ये मिलेगा सिर्फ 43,000 में टेक्नो की लेटेस्ट डिवाइस स्पार्क 30 प्रो। इसके साथ जो नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है वो है सैमसंग की A06 4GB रैम के साथ है, सेकंड वेरियंट का 4GB 128GB के साथ है। बात करते हैं अगर इसमें जो एडिशंस नहीं की गई है, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर इसकी जो A05 सीरीज थी, A05 सिंपल आपको देखने को मिलता था, उसमें आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था। अभी फाइनली सैमसंग की लेटेस्ट डिवाइस A06 में आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें हमारे पास दो डिवाइस हैं, 64GB स्टोरेज के साथ है और 128GB स्टोरेज के साथ। बात करते हैं प्राइस की, तो 64GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है ये आपको मिलेगा सिर्फ 26,000 में, 27,000 इसकी कंपनी प्राइस है, जबकि इसका जो 128GB वाला है इसकी 32,000 कंपनी प्राइस देखने मिल जाती है और आपको हमसे मिल जाएगा 30,000 रुपए में 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ। तो ये कुछ छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, मैंने कहा चले नई डिवाइसेज आई अपने व्यूवर्स को मेंशन कर दें। अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा शॉप का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन रब्ता भी कर सकते हैं, हमारी शॉप विजिट करना चाहते हैं हमारी शॉप भी आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले हार्ड 50 प्रो प्लस की अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।